अपनी सुंदर बच्ची को ज्यादा मोटा बनाने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ मामा? क्या हुआ जान? क्या हुआ मेरे बच्चे को? जी हाँ, बस आप वो पेपर्स तैयार करिए। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आप कोर्ट में ये बोलें कि मैं राघव की गार्डियनशिप चाहता हूं। दैट्स इट। मैं कल परसों वापस चला जाऊंगा। कोर्ट के पेपर्स बनने में हफ्ता 10 दिन लग जाएंगे। आई एम श्योर जब तक तुम बोर्डिंग स्कूल जाओगे एवरीथिंग विल बी टेकन केयर। मैं चाहता था आपको बोर्डिंग छोड़कर आऊं, लेकिन साउथ अफ्रीका में जो पॉलिटिकल हालात हैं, ऐसे में इतने दिन तक वहां ना रहना ठीक नहीं है। मैं समझ सकता हूं मिश्रा जी, आप फिक्र मत कीजिए, राघव मेरे बेटे जैसे। थैंक यू साहिल अंकल। और मिश्रा जी आप भी मेरी फिक्र मत कीजिए, मुझे सीखना होगा अकेले रहना, मुझे सीखना होगा अपना ख्याल रखना। नहीं बेटे, मैं हूं ना। थैंक यू साहिल अंकल, लेकिन अंत में मुझे अपने पैरों पर ही खड़ा होना होगा। बेटा मेरे को मालूम है आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, लेकिन अकेले खड़े रहने के पहले अपने जड़ों को मजबूत करो, फिर अपना सर ऊंचा उठा के जी पाओगे आप। हाँ कमला भाई, मैं कभी आपकी बात नहीं भूलूंगा, आपने मुझे सही राह दिखाई है। प्रॉमिस यू पापा, जिसने आपका खून किया है उसे एक दिन मैं ढूंढ कर ही रहूंगा। ये रुद्राक्ष उसकी निशानी है, और जिस दिन वो आदमी मुझे मिल गया मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, पर बात करके रख दूंगा। हाँ कृतिका, लापुकी को मुझे याद दे, मैं उसे कपड़े पहनाऊंगा। ला कपड़े दे, इसके बाद मुझे पुकी के साथ थोड़ी देर खेलना है, तुझे अपना बाकी काम कर जा ना। We'll be right back.
कर रही थी? पाखी गिर रही थी मेमसा। रह रहे थे, झूठ मत बोल। मैं सोई कहां थी? मेरी आंख लग गई थी बस, और मैंने पुकी को पकड़ा हुआ था। हेलो, तू आ रही है? नीतू, सन एंड स्टार होटल में है पार्टी। ओके, मैं वेट करूंगी। पाखी, काफी फिल्म स्टार्स भी आ रहे हैं। बजे पहुंच जाना प्लीज, तेरे बगैर मैं केक नहीं काटूंगी। अभी बता रही हूँ नीतू। अच्छा सुन, देख मैं कमला, मैं जरा बाहर जा रही हूँ, तू पुकी के पास ही रह, और ज्यादा लाड प्यार करने की जरूरत नहीं है। उसे भूख लगे तो दूध पिला देना बस, समझी? एक घंटे में आ जाऊंगी मैं। और सुन, मम्मी जी को बताने की जरूरत नहीं है कि मैं बाहर जा रही हूं, और खबरदार जो मेरे आने तक तू बिना बताए यहां से निकली तो। मेम साहब, आपसे ना एक बात पूछनी थी। वो दिव्या है ना, आपके यहाँ पहले काम करती थी, उसके दोनों काम छूट गए, उसको काम चाहिए। अगर आप बोले तो मैं। क्यों, अकल आ गई ठिकाने? बड़ा लड़के गई थी मेरे साथ? गलती तो सबसे होती है ना, माफ कर दो आप। लेकिन मैं जानती है वो मन लगा के आपके यहाँ काम करेगी। अच्छा ठीक है, भेज दे, लेकिन पहले मैं बात करूंगी फिर देखते हैं। थैंक यू। हाँ सुन, मैं जा रही हूँ, और याद है ना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए मैं बाहर गई। हाँ अरे नीतू, फोन देख बेटा। मम्मी जी, मैं बाथरूम में हूँ। अच्छा ठीक है। हेलो, कौन बोल रहे है? अरे बोल क्यों नहीं रहे, फोन क्यों करती होते अगर बोलना नहीं होता? हेलो, कोई गया या आया? कौन गया होगा? ओ, कहीं नीतू तो नहीं बाहर चली गई? नहीं नहीं। बिजनेस के लिए चूड़ी वाली को बुलाया था ना, वो आई है, जल्दी आ जाओ। चूड़ी वाली, ये लो इसको रखो, थोड़ा ला सकती हूँ। बोलो। बोलो। मैं वो अभी नवरात्रे में चूड़ी बेचने का काम करना चाहता हूँ, कितने पैसे लगेंगे धंधा शुरू करने के लिए? देखो, अगर 40 दर्जन से शुरुआत करते हो तो पूरे 4,000 रुपए लगेंगे।
4000? अरे ताई, एक ही बार सामान थोड़ी लेना और धंधा बंद कर देना है। हाँ। और भी लेना है आपसे माल, दाम ऐसा बोलो कि ये रिश्ता लंबा चले। बराबर है। देखो, मैं खाली पीली मोलभाव नहीं करती हूँ, लास्ट 3000 रुपए लगेंगे बस। सही है, ये हुई ना बात। मौसी, किश्तों में दूध तो चलेगा? चलेगा, पर गारंटी के लिए क्या रखोगे? क्या चलेगा, गहने चलेंगे? अरे चेक करा लेना, असली माल की बात कर रही हूँ। अरे पर कमला से कैसे बात करूंगा मैं गहने? 3000 रुपए के लिए ताई को परेशान करेंगे क्या? परेशान तो हो जाएगी। अरे मैं अपने गहने रखती हूँ ना। नहीं नहीं, तू अपने गहने वहने नहीं रखेगी। क्या दादा, दो गहने मेरे पास, कौन सा रोज रोज पहन के? मैं नहीं मानने वाला तेरी बात। बस दादा, बहन हूँ आपकी, इतना भी नहीं कर सकती हूँ क्या? ठीक है, फिर वो तू क्या है मेरी, वो बिजनेस पार्टनर? हाँ पार्टनर, मैं कमा के तुझे ब्याज सहित पैसे दूंगा। अरे दादा, आपकी शादी की सालगिरह कल है या परसों? आज है सालगिरह, मैं तो भूल ही गया। दिव्या एक टपली मार, नहीं मारना, अरे मारना। तुझे कैसे याद रहा? वो छोड़ो, अभी सोचो कि क्या लेना है। चूड़ियां ही ले ले। 5? हाँ चूड़ियां ही ले लेते हैं, चूड़ियां कमला को पसंद भी है, एक ही रंग की चूड़ी पहनती रहती है, आज रंग बिरंगी लेते हैं, क्या बोलती है? चल चल। क्या हुआ? वो चूड़ियां चाहिए थी धंधे के लिए नहीं, मेरी बीवी के लिए। अरे दादा की शादी की सालगिरह है ताई। ये 30, 40, 50 50 रुपए ही है, चलेगा? चलेगा। देख, धंधे का पहला उसूल है आती हुई लक्ष्मी को मना नहीं करना चाहिए। और जाती हुई लक्ष्मी को? ये तो तूने मुझे अपने हाथ से दिया, तुझे 1 दर्जन चूड़ियां चाहिए थी, अगर तूने बोला होता सैंपल चाहिए फ्री में तो मैं तुझे मना थोड़ी करती। मतलब धंधे में झूठ बोलना नहीं सीखा तो क्या सीखा? मेम साहब बोल के गई थी जल्दी आएंगी 1 घंटे में, अब तो 6:30 बज रहे हैं। मत रो बेटा, मैं तेरे पास ही हूँ। हाँ हाँ बेटा, सारा टाइम तेरे पास तो नहीं रह सकती ना। नीतू, देवा, अब मम्मी जी पूछेंगी मेम साहब कहाँ है, मैं क्या जवाब दूंगी? मेम साहब को यहाँ नहीं देख के मम्मी जी गुस्सा होंगी। ये ले बेटा। चुप हो गई? हाँ हाँ, कमला बाई तेरे आसपास ही है। किथे चली गई? ओनी तो सुन। अरे कमला, अली 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 भाई, हम ऐसे क्या कर ले? ओली, ये क्या पकड़ रखा इसके साथ? आप रो भी नहीं रहे, चुपचाप सो रहे हो? मम्मी जी, ये मेरी साड़ी का टुकड़ा है। मम्मी जी, पाकी बहुत रो रही थी ना, मुझे काम करने को नहीं मिलता ना इसलिए। लेकिन नीतू कहाँ है? बाहर गई है ना? बता कमला, बता बता कमला। नहीं मेम साहब, इधर ही। अरे इधर ही कहाँ, छोटी सी बच्ची को तेरे हवाले करके निकल गई ना, यही बात है ना? ऐसा नहीं है मम्मी जी, मेम साहब भी थक जाती है ना, दो दो बच्चों को संभालना आसान नहीं है। कमला कमला कमला, उसकी तरफदारी करने की जरूरत नहीं है। अरे मैंने जब पहले भी आवाज लगाई थी तब भी वो बाथरूम में नहीं थी।
मम्मी जी नौकरों से इस तरह की बात करना ठीक नहीं है। वो ना मैं बस पूछ रही। और तू सुन कमला, तू होती कौन है मेरी बेटी की मां बनने वाली? मना किया था ना मैंने तुझे मेरी बेटी से दूर रहना। तू ना ये टोना टोटका मत करना मेरी बेटी के साथ, समझ में आया? अब जा यहां से, तेरा कुछ काम नहीं है यहां पे। 5 मिनट में अपने बच्चे के पास क्या चली गई? इसे तो मौका मिल गया, बस पहुंच गई सीधा पुकी के पास ये दिखाने के लिए कि कितनी अच्छी देखभाल करती है ये इसकी। यही तो मां है इसकी। तू? अरे मम्मी जी आपको कुछ पता नहीं है, कल भी देखा मैंने जो तूने बाहर वालों के सामने किया। सब समझती हूँ मैं कमला, जानबूझकर तू हमेशा मेरे घर वालों को मेरे ही खिलाफ भड़काती रहती है। जलती है तू मुझसे। अब खड़ी क्या है? जा। जाना क्या क्या पकड़ाती रहती है ये मेरी बच्ची को, हमेशा अपने वश में करने की कोशिश करती रहती है। मैं ये सब अलाउ नहीं करने वाली हूँ। मैं नजर रखती हूँ अपनी बच्ची पे, सुना तूने? नहीं तो एक काम करो, तुम कमला बाई को नौकरी से क्यों निकाल देते? क्यों? मालिक और नौकरों के बीच में ये सब चलता रहता है, तुम ना बीच में मत बोलो। एग्जैक्टली, जब है उसकी जरूरत उसके बिना चलना नहीं है, ये बात तुम भी जानती हो मैं भी जानता हूँ। मतलब क्या कहना चाहते हो तुम? कुछ नहीं। तो भूल ही गया था आज हमारी शादी की सालगिरह है। कमला को याद होगा क्या? नहीं नहीं मुझे नहीं लगता। चलो देखते हैं, खुश हो जाएगी कमला।